नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज हमारे साथ मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे जी हैं। हम उनसे आज मीरा भाईंदर में जो राजनीति में उथल पुथल मची हुई है उसी विषयों पर लेकर उनसे हम कई सवाल पूछने वाले हैं। और आइए आपको हम मिलाते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अंकुश मालूसरे जी से। मालूसरे जी, आपका स्वागत है इंडियन सिटीजन टीवी में। किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला तो मैं इंडियन सिटीजन टीवी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया और हमारा मनोगत व्यक्त करने की संधि दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्वेश्चन आपने जो किया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल चल रही है आपके हिसाब से, लेकिन मैं पहला आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस मेरे वजह से हुए हैं। इसलिए मेरे वजह से हुए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष था और गए 2 महीने से मैं अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी जिला अध्यक्ष पद से मुक्ति चाहता था, लेकिन वो जो चीज़ है वो मेरे नेता लोग जो है हमारे सम्माननीय नामदार जितेंद्र रावर साहब होंगे, जैन पटेल साहब हो गए, अजीत दादा हो गए, इनके साथ बातचीत करने के बावजूद ये मैंने 16 तारीख को लास्ट में उनको रिज़ाइन दिया और उसी दिन उन्होंने मेरा रिज़ाइन, मेरे जो कारण्स थे, मेरे इंडिविजुअली कारण्स थे, उनके वजह से वो रिज़ाइन मेरा मंजूर कर लिया। तो साजिक है कि जब मैं जिला अध्यक्ष पद से गया हूँ तो नया जिला अध्यक्ष आना उचित है, लेकिन पार्टी ने उसके साथ में कि भाई मेरे प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहा था, तो इसलिए पार्टी ने मेरे ऊपर ये सोचा कि भैया जिला अध्यक्ष नहीं तो फिर आप पार्टी के साथ में ज्वाइन रहने के लिए पार्टी ने मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश के सेक्रेटरी पद के नियुक्त किया। और अध्यक्ष महोदय जी जयंत पाटिल साहब ने बोला कि आपके जैसे आदमी को हम अच्छी तरह से ये करके आपका जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसको यूज़ करते हुए हम आपको महाराष्ट्र प्रदेश में सेक्रेटरी पद दे रहे हैं। इसलिए उथल पुथल जो जगह ही खाली हो गई है तो दूसरा आदमी आना साजिक है। वो फिर 4 दिन में आए, 6 महीने में आए या साल भर में आए, मैं 6 महीने में 4 दिन में आया, इतना ही कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए पार्टी ने डिसीजन फास्ट लिया कि वो जगह 2-3 दिन में क्या कर दिया, भर दिया। नहीं सर, दरअसल आपसे पहले जो संतोष पेंडुलकर जी थे उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद आप आए और आपने, आपको जिला अध्यक्ष पद से, आपका कार्यकाल अभी 12 महीने का ही हुआ था और आपका भी बदलाव हुआ, बदलाव के बाद अभी अरुण भाई को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो मतलब कितने समय का जो कार्यकाल होता है जिला अध्यक्ष का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में? देखो, पार्टी लेवल पे मेरे जो जानकारी है उस हिसाब से 3 साल का कार्यकाल होता है। मैं करीब अभी 1.5 साल होना है क्योंकि फरवरी में मेरे को लेटर मिला था और अभी करीब 15 से 16 महीना मेरे को हो गया है। तो पार्टी ने, पहली तो बात है कि पार्टी 3 साल तक मेरे को काम करने की संधि भी देती थी। वो मेरा काम खराब था या मेरा काम नहीं हो रहा था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे कुछ इंडिविजुअली कारण्स थे कि जिस कारण की वजह से मैं पार्टी से जिला अध्यक्ष पद से मुक्ति चाहता था, पार्टी से इस्तीफा चाहता था और वो उसके वजह से। बाकी तो पेंडुलकर जी हो, प्रकाश दुबोले जो हो, जो जो अध्यक्ष बने हैं उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितनी सभाएं हो रही थी उसमें जितेंद्र आव्हाड जो कि गृह निर्माण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो आ रहे थे मीरा भाईंदर और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे अपनी, तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि आपने जो आपका जिला पद अध्यक्ष पद है उससे त्याग किया है, उसके पीछे का कारण ये तो नहीं है? देखो, वो कारण एक कारण नहीं हो सकता है, उसमें से अवार्ड साहब का बार बार आना, सूचना करना हमारे लिए, और मैं वर्कर लीडर संगठन का आदमी होने के नाते मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही है। इसके लिए मैंने अवार्ड साहब को बार बार, मैं देख रहा था कि अवार्ड साहब हमारे पूरा टीम के साथ, यानी कि मेरे साथ में प्रदेश पे काम करने वाले प्रदेश के लोग हो,
या जिला के काम करने वाले जिला के पदाधिकारी हो, मेरे फ्रंटल सेल्स इसके सभी अध्यक्ष हो, इस सभी को बार बार आवार साहब सूचना कर रहे थे कि आप लोगों से मैं नाखुश हूँ और आप जितना जल्दी हो सके उतना काम करने चालू करें। लेकिन मेरे नेता को तो मैं गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो कार्यकर्ता थे या वर्कर थे, वो एक्चुअली अलग अलग पार्टी में जा चुके थे। हमें जो संगठन बनाना था तब फोर्थ कैटेगरी के जो लोग हैं या फाइव कैटेगरी के लोग हैं उनको बना के कराना था, तो इसलिए टाइम लग रहा था, ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए और फिर मेरे जो खुद के प्रॉब्लम्स थे, ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे, उसके वजह से हमें इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो जिला अध्यक्ष पद है उससे आपने इस्तीफा दिया या फिर आपको हटाया गया? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, जनता के बीच में इस समय ऐसा भ्रम है कि आपको हटाया गया है। मैं देखो, मैं 16 तारीख से लेके मैं देख रहा हूँ या कल की न्यूज़ देखा, पेपर न्यूज़पेपर कटिंग्स हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कटिंग्स हो, तो उसमें मैं देखा सब लोगों ने ऐसी न्यूज़ लगाई कि मेरे को हटाया गया जी। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने मेरे नेता लोगों को रिक्वेस्ट करके मैंने रिज़ाइन दिया है, और रिज़ाइन देने के बाद में ही मेरी प्रदेश में नियुक्ति हुई, नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुई। इतना है कि मेरा रिज़ाइन मंजूर होने के बाद में पार्टी को ऐसा लगा कि ये जगह ज़्यादा दिन खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मेरी रिज़ाइन की जो बात है मैंने पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी रिज़ाइन की बात किधर भी बोली नहीं है। और नए अध्यक्ष आने से लोगों को, पत्रकार लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड हुआ कि इनको निकाला गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात ऐसी है कि हमने रिज़ाइन दिया है और पार्टी ने दूसरा अध्यक्ष नियुक्त किया है जी। सर एक सवाल और ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अभी मुट्ठी भर लोग ही हैं और उसमें भी ऐसा चर्चा है कि गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी के चलते आपने इस पद से इस्तीफा दिया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो उसमें सच्चाई नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग जो भी लोग हैं उनको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, आने वाले नए जिला अध्यक्ष हो, हमारे प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी हो, प्रदेश प्रतिनिधि हो, सेल के फ्रंटल के अध्यक्ष हो या जिला कमेटी के जो लोग थे, उनको सबको मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि पार्टी को आपको मजबूत बनाना है तो गड्डबाजी जो है वो बाजू में रखना पड़ेगा, और मतभेद हो सकते हैं क्योंकि कार्यकर्ता आता है, पदाधिकारी आता है, तो मतभेद होना जरूरी भी है और होते भी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और हमारे इसमें मनभेद जो दिख रहे थे, तो मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ सब लोग अपना अपना मनभेद बाजू में रखे, आने वाले इलेक्शन में साथ में मिले, और जो आपने बोला कि मुट्ठी भर लोग जो है वो ज़्यादा कैसे होए और आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट कैसा देवे, ये मैं चाहता हूँ। तो सर कहीं ना कहीं अभी आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आपने उस गुटबाजी के चलते आपका जो जिला अध्यक्ष पद था उससे इस्तीफा दिया, उससे परेशान होकर कि जो भी सभाएं हो रही थी, जो भी चीज़ हो रही थी गुटबाजी के चलते वो बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही थी या फिर बात नहीं सुनी जा रही थी? ऐसा होता भी होगा तो मैं ये चैनल पर नहीं बोल दूंगा, इसलिए मैं आपको इतना ही बोल दूंगा कि गुटबाजी होगा या नहीं होगा, वो सब लोगों ने उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। अभी अरुण भाई को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या आप नए जिला अध्यक्ष जिनको बनाया गया उनके साथ पूरा आपकी जो टीम थी, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे मीरा भाईंदर में, आप उनको अपना समर्थन देके उसी तरह उसी शक्ति के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे? मैं आपने बहुत ही ये मेरे अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नया अध्यक्ष अरुण कदम जी के साथ में सपोर्ट दूंगा। मैं आपको पहले से बोला था कि मैं बेस्ट वर्कर हूँ, एक सोशलिस्ट हूँ, एक वर्कर लीडर हूँ, इसलिए मैं और संगठनकारी हूँ और मेरे को थोड़ा भी बहुत संगठन समझता है, तो मेरे पीछे लोगों ने क्या किया उसको मैं कभी सामने नहीं रहते हुए नए अध्यक्ष के साथ में कंधे पे कंधा लगा के काम करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मीरा भाईंदर शहर में अच्छी तरह से संगठन बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे को जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं मेरे पार्टी को, मेरे पदाधिकारी को, सबको देने की कोशिश करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाऊंगा।
2022 लग चुका है, महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक आ गया है, किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार अपना कमाल दिखाएगी? मेरे को लगता है कि मीरा भाईंदर शहर जो है ये कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है। इस शहर को हर जात धर्म पंथ का और स्टेट का आदमी रहता है। लोग बोलते हैं कि देहरादून के बाद में कोई देवभूमि है तो मीरा भाईंदर शहर है। इसके लिए इस शहर के ऊपर 2002 से लेके 2014 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहे, मेयर रहे, एमएलए रहे, इसलिए इस शहर के ऊपर राष्ट्रवादी विचारधारा का पगड़ा है। लोग मानने वाले हैं, जो उनके ऊपर थोड़ी बहुत धूल बैठी है उसको थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। और आने वाले नए अध्यक्ष हो या सभी लोग हो, उन लोगों ने सही ढंग से काम किया तो मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वापस 2022 में 23 में जब भी इलेक्शन लगेगी उसमें सत्ता आएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें नए जिला अध्यक्ष जो हैं वो थे और पूर्व आमदार गिलबर्ट मेंडोसा जी थे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या एक बार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गिलबर्ट सेठ जो हैं वो वापसी कर सकते हैं? देखो, आपने तो मैं अभी ये तो क्वेश्चन किया इसलिए आंसर दूंगा। मैं जब से अध्यक्ष बना और उससे पहले से गिलबर्ट सेठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, ऐसी चर्चा चालू है। इतना ही नहीं तो करीब 2 महीने पहले माननीय नामदार जितेंद्र आवाड़ साहब ने अपने एक ऑफिस के ओपनिंग में जाहिर सभा में उनको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए। मैं खुद कितने 2-4 बार गिलबर्ट सेठ को मिला, उन्होंने भी बोला कि मैं ये करता हूँ तो मैं करता हूँ कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में भी आते हैं तो हम स्वागत करते हैं। गिलबर्ट सेठ आने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी, इसलिए ताकत मिलेगी कि गिलबर्ट सेठ जो है आज भी शहर के मास लीडर है, चाहते लोग उनको चाहते, और तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द गिलबर्ट सेठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, एक चेहरा बन के आए और राष्ट्रवादी को वापस एक संजीवनी देने की कोशिश करें। सर, आपका अभी जो सिलेक्शन है वो प्रदेश में हो गया है तो अभी आप किस तरीके से मीरा भाईंदर में अपना काम करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आपने पहले क्वेश्चन किया था तो नए अध्यक्ष और जिस पदाधिकारी को जो मेरे को संगठन का नॉलेज है और संगठन का आइडियाज है वो पूरी आइडियाज़ को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दूंगा और मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी का संगठन में बनाने में कोशिश करूँगा। धन्यवाद अंकुश जी, आप हमारे चैनल पे आए और जनता के बीच में जो एक सवाल जनता के मन में उमड़ रहे थे उनके सवालों के जो आपने जवाब दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे। उन्होंने बहुत ही समझदारी से जो भी सवाल हमने उनसे पूछे उनके जवाब दिए और आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2022 के महानगर पालिका के चुनाव में किस तरीके से कारनामा करके दिखाती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी के साथ। धन्यवाद।